सूरज आज नौमी है और आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है, माँ के नौवें स्वरूप की पूजा हो रही है। सुबह से भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा, तस्वीरें कैसी हैं और इसके अलावा क्या कुछ आज तैयारियां देखे जा रहे हैं। शाम को कई जगहों पर मेले का आयोजन है, कई जगहों पर अलग अलग तरीके से पूजा आज संपन्न करवाने की तैयारी है। देखिए बिल्कुल संजय, इस वक्त हम खड़े हैं रांची के जैकवन में। जैकवन वो जगह है जहां पर वीवीआईपी की सुरक्षा में तैनात जो जवान होते हैं, जो जिसको कहते हैं गोरखा बटालियन, उन गोरखा बटालियनों के तरफ से यहां पे एक विशेष पूजा की जाती है। और खासकर हर नवरात्रा के दिन यानी नौमी के दिन आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे जवान किस तरह से माँ को सलामी के दौरान यहाँ पर फायरिंग की जाती है और फायरिंग करके माँ दुर्गे को सलामी दी जाती है। और ठीक हमारी आप दाहिनी ओर आप देखेंगे ये जो तमाम जो हथियार आप देख रहे हैं संजय, ये हथियारों से जैकवन के जो जवान हैं वो नक्सली मोमेंट से लेकर गवर्नर सीएम मंत्री जो तमाम वीवीआईपी मोमेंट होते हैं उन मोमेंटों को लेकर वो सुरक्षा को लेकर तैनात होते हैं। ये तमाम जो हथियार उन तमाम हथियारों का देखिए यहाँ पे किस तरह से पूजाएं की जाती है। और यहाँ पे ठीक हमारे सामने में बकरे की बलि भी दी जाती है और बकरे की बलि का जो ब्लड है वो हथियारों पर चढ़ाया जाता है जो परंपरा के अनुसार है। आप देखिए किस तरह से ये जो लाइव तस्वीरें हैं ये हर साल नौमी के दिन में कमोबस इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलता है और ये परंपरा आज से नहीं बल्कि सालों से चलती आ रही है। लगभग 118 सालों से ये जो इतिहास है वो इतिहास जैकवन यहाँ पर दोहराते आई है। और ठीक हमारे पीछे में आप जो जवान को आप देखेंगे संजय, ये जवान जैसे यहाँ पर बकरे की बलि दी जाती है उसके बाद तुरंत ये जवान हथियार से आसमानी फायरिंग करके माँ दुर्गे को ये लोग सलामी देते हैं और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। और सबसे बड़ी बात है जैकवन के ये परिसर में मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे नौ कन्याओं की भी यहाँ पर पूजा की जा रही है और यहाँ पर पहला जो नौमी का जो नवरात्रा का जो पहला दिन है वो पहला दिन से लेकर आज के दिन यहाँ पे एक अलग सा ही नज़ारा देखने को मिलता है। जो माहौल होती है वो बिल्कुल खुशनुमा माहौल होता है और देखिए किस तरह से नौ कन्याओं की यहाँ पर पूजा की जा रही है और ये तमाम जो महिलाएं हैं जैकवन में जो जवान सुरक्षा में जो तैनात होते हैं उनके घर वाली ये सब ये छोटी छोटी बच्चियों को देखिए किस तरह से यहाँ पर पूजा किए जा रहे हैं। और ये नौ कन्याओं के पूजा के बाद आप ठीक यहाँ पर एक परंपरा है कि इस नौमी के दौरान जो यहाँ पर बकरे की बलि होती है उसके बाद एक सामूहिक भोज का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है जो तमाम जो लोग होते हैं उस भोज का भी आनंद लेते हैं। कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। आज नवरात्रा का नौमी है, आज छोटी छोटी कन्याओं की पूजा हो रही है और क्या कुछ कर रहे हैं आप? यहाँ पे नौ देवियों का अलग अलग रूप में पूजा किया जाता है। आज का दिन मतलब लास्ट उद्यापन का दिन है, आज इन लोग के पूजा के बाद ही खत्म हो जाएगा पूरा पूजा। और क्या अलग अलग रूपों से पूजा किया जाता है और क्या बोलेंगे, सारी महिलाएं इसी जैकवन की है। आप लोग सारी जैकवन की है, ऐसा लगता है कि जब सारी महिलाएं इकट्ठे एक जगह में आप लोग मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है। हम लोग का चार पर्व है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पूरा खुशहाली है, माता रानी का कृपा सभी पे बने रहे और जय माता दी। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा इस जैकवन का जो ये जो मंदिर है और मंदिर के अंदर में किस तरह से कलश स्थापना की गई है और कलश स्थापना के दौरान जो महिलाएं होती है वो महिलाओं का जो पूजा है मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए किस तरह से ये आप देखिए ये जो तस्वीर है ये नवरात्रा के जो पहले दिन पहले क्या ये जो तमाम जो चीज़ें हैं किस तरह की आप ये जवारा ये क्या होता है कि मेन बात तो ये हम लोग दशमी के लिए ये जवारा को नौ दिन तक स्वरूप मान के ये हम लोग पूजा करते हैं और कल सिद्धिदात्री है, दशमी है, तो दशमी में ये जवारा हमारे मतलब अभिभावक जो टीका के साथ ये अक्षत चावल के टीका जो होते हैं वो टीका लगा के ये जमारा हमारे हाथ में दे के हमारे पूरे मतलब जिंदगी में इसी तरह हरा भरा रहे बोल के माता का आशीर्वाद दे के हम लोग टीका लगाते हैं। और ये जवारा के साथ साथ हमें हमारे बड़े बुजुर्ग दक्षिणा कुछ एक परंपरा यहाँ पे मैंने देखा है कि इधर नवरात्रि की पूजा हो रही है उधर बकरों की बलि हो रही है और आसमानी फायरिंग होती है माता रानी के लिए, परंपरा क्या है ये परंपरा ये है कि यहाँ हमारे पूजा करें देवी माँ माँ कालरात्रि को हम लोग मतलब आमंत्रित करते हैं कि आइए माँ आपको हम लोग बलि दे के मतलब खुश कर रहे हैं। माँ काली की बलि होती है कालरात्रि के दिन और नवमी के दिन भी माँ दुर्गा को बलि होती है और माँ को ही खुश करने के लिए यहाँ पर हम लोग बलि का प्रथा। हथियारों का जो पूजा होती है हथियारों की पूजा करने के पीछे परंपरा क्या है? हथियारों की पूजा करने की परंपरा ये है कि जवान मतलब अपने बॉर्डर पर तैनात रहते पूरा परिवार को छोड़ के अपना समाज को छोड़ के देश की सेवा के लिए लगे
रहते हैं उन सबकी रक्षा के लिए माता को ये फायरिंग से हम लोग माता को मतलब खुश करते हैं और देश जवानों की सुरक्षा के लिए माता को कामना करते हैं और अर्थशस्त्र की हम लोग पूजा करते हैं। बिल्कुल, देखिए संजय एक अलग ही परंपरा मैं आपको दिखा रहा हूँ जैफवन के परिसर में। और ये जैफवन के जो जवान होते हैं संजय, अमूमन ये बॉर्डर पर तैनात होते हैं, जो VIP मोमेंट होते हैं उनके सुरक्षा में ये तैनात रहते हैं। और ये जो परंपरा है पिछले सालों से ये चलती आ रही है। और यहाँ पर परंपरा के अनुसार जैसे मैंने आपको दिखाया, ठीक यहाँ पर कन्याई पूजा हो रही है, ठीक हमारे बगल में बकरों की बलि दी जा रही है। और बकरों की बलि के साथ साथ जो हथियार होते हैं, जो जवान हथियार को लेकर सुरक्षा में तैनात होते हैं, उन हथियारों की यहाँ पर पूजा की जाती है। और पूजा करने के बाद ये कामना की जाती है कि भगवान माँ दुर्गे इन तमाम जवानों को सुरक्षित रखे। जिस तरह से बॉर्डर में तैनात होते हैं और VVIP मोमेंट को लेकर 24 घंटे ये सभी तैयार रहते हैं। और देखिए मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी ठीक यहाँ पे बकरी की बलि होगी और ये ठीक हमारे सामने मैं आपको दिखाऊंगा संजय, ये अभी आसमानी फायरिंग करके ये सभी जवान माता को सलामी देंगे। ये भी मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ संजय, ये जो जवान है अभी जैसे ठीक हमारे बगल में राइट साइड में अभी बकरी की बलि होगी और उस बकरी के बलि के जो ब्लड होती है वो हथियारों में चढ़ाए जाते हैं। और जैसे वो बकरी की बलि होगी ये जवान आसमानी फायरिंग करेंगे और फायरिंग करने के बाद ये सभी माँ दुर्गे को सलामी देंगे। ये सीधी तस्वीरें संजय मैं आपको दिखा रहा हूँ JF1 से। और ये परंपरा आज से नहीं बल्कि सालों से चलती आ रही है, सदियों से चलती आ रही है और ये परंपरा आज तक खत्म नहीं हुई है। और यहाँ पे जो JF1 के कमांडेंट है YS रमेश, वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी पत्नी मौजूद है और ये तमाम JF1 की ये जवान है। ये सभी जवान सुरक्षा के लिहाज से नक्सलियों से लोहा लेने के लिए बॉर्डरों में तैनात रहते हैं, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में ये सभी तैनात रहते हैं। VVIP मोमेंट्स जितने भी होते हैं झारखंड में इनकी योगदान बहुत बड़ी होती है और JF1 में एक अनोखा ही पूजा होता है। और हर साल इस तरह का नज़ारा JF1 में देखने को मिलती है संजय, जहाँ पर सभी महिलाएँ धूमधाम से यहाँ पर पूजा अर्चना करती है और एक छत के नीचे सभी महिलाएँ कलश की स्थापना करती है और पूरे 9 दिन तक विधि विधान के साथ पूजा करती है। और ये देखिए संजय, अभी मैं अभी सीधी तस्वीर आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से ये सभी फायरिंग करेंगे अभी। और फायरिंग के बाद जो JF1 के जो बैंड होते हैं वो बैंड की धुन भी अभी मैं आपको सुनाऊंगा। और ये JF1 के बैंड की धुन ही एक अलग ही, देखिए ये सीधी तस्वीर संजय, ये एक परंपरा है, ये सालों से ये परंपरा चलती आ रही है। और JF1 की ये जो बैंड है ये बैंड के धुन भी आपको सुनने को मिलेंगे। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के चैनल का माध्यम से अपने दर्शकों को ये सब जो चीज़ें हैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये परंपरा ये सदियों से चलती आ रही है, बल्कि ये नहीं है बल्कि सदियों से चलती आ रही है और ये लगातार ये चलता रहेगा संजय। बिल्कुल सही आपने कहा। और यहाँ पर एक तरह से माँ को ये सलामी दी जाती है और उसके बाद पूजा की विधि आगे बढ़ाई जाती है, 9 कन्याओं की पूजा हो रही है। लेकिन ये जो हथियार हैं जिनके बल पर ये देश की सुरक्षा हो पाती है, तमाम लोगों की सुरक्षा हो पाती है, दुश्मनों से लोहा लिया जाता है, उसमें जाहिर सी बात है कि माँ का आशीर्वाद ये माना जाता है, क्योंकि इन्हीं हथियारों के बल पर खुद की सुरक्षा और देश की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी इन जवानों के कंधों पर होती है। यहाँ पर अभी क्या परंपरा है ये तो जब से बटालियन स्टेबलिश हुआ था तभी से परंपरा, इसमें वही बलि देने का वो यही बलि का परंपरा। क्या जो हथियार की जो पूजा होती है वो क्यों होती है? अब हथियार अच्छा हो, सुरक्षित हो, समय पर अच्छा काम करे, इसलिए। आप तो खैर रिटायर हो गए यहाँ से। हाँ, आप भी रिटायर हो गए। हाँ, तो इस तरह के जो रिवाज है कितने सालों से चलती आ रही है? पुराना पुरखा से 1880 से लगभग 100 साल से भी ऊपर हो गए। हाँ, तो 145 सब पुरखा से ऐसे चल रहा है संजय। ये परंपरा 1880 से लगातार अब भी जारी है। और आपने देखा इस परंपरा के अनुसार कुछ और लोग उनसे बात करते हैं जो JF1 के जो पुराने व्यक्ति हैं, 1880 से ये परंपरा लगातार बरकरार है। एक चीज़ हमें दर्शकों को समझाइए, अभी हम लोग लाइव पे हैं, ये जो बकरी की बलि होती है और हथियार की जो पूजा होती है और आसमानी फायरिंग, इसका मतलब क्या है? ये माता का उसमें उछड़ जैसे क्या नाम है जी, एक राक्षस इस टाइप का मतलब बलि प्रचार है पहले से। अच्छा, तो उसी का भी परंपरा चलते आ रहे हैं। ये माँ को सलामी देने की एक अनोखा परंपरा मैंने देखा है जो हथियार से फायरिंग की जाती है। ये अस्त्र पूजा मतलब शस्त्र का पूजा जी।
ताकि हर चीज में मतलब कामयाब हो। देखिए संजय, ये रिवाज, बल्कि मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये जो परंपरा ही 1880 से चलती आ रही है, और इसका ये परंपरा है जो हथियार की जो पूजा होती है, ये हथियार को लेकर ये तमाम जो जवान हैं ये बॉर्डरों में तैनात होते हैं। बॉर्डरों में तैनातों के साथ साथ जो वीआईपी मूवमेंट्स में जो जवान सुरक्षा कर्मियों के तौर पर ये तैनात रहते हैं, इन हथियारों की वजह से ही ये लोहा लेते हैं और लोगों की सुरक्षा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में नौमी के दिन इन हथियारों की यहाँ पर पूजा की जाती है, और पूजा करने के बाद एक अलग ही परंपरा है, परंपरा के अनुसार माँ दुर्गे को सलामी के दौरान यहाँ पर फायरिंग करके ये सलामी देते हैं, और ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है संजय। और इनसे भी एक बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, ये बताइए, ये जो परंपरा है हथियारों से सलामी देने का, इसका मतलब क्या, हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइए। ये अभी थोड़ा बाद में, हाँ बताएंगे, बाद में बताएंगे। अच्छा, चूंकि अभी ड्यूटी में है ये तो कह ही नहीं पाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें ये बयां करती है कि आपने अभी तक बड़े बड़े पंडालों को देखा शहरों में, चाहे कोलकाता हो, रांची हो, पटना हो, या फिर मेट्रो सिटी हो, लेकिन ये अनोखा पंडाल है और ये अलग ही परंपरा है। देखिए, ये जो परंपरा के अनुसार मैं आपको ये जो सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरह से ये बैरियर बनी हुई है, और बैरियर के अंदर में ये जो तमाम हथियार है, AK-47 हो, इंसास हो, राइफल हो, या फिर मैगजीन हो, या फिर खुखरी हो, ये तमाम जो हथियार संजय, ये हथियार से ये सभी सुरक्षा को लेकर बॉर्डर में तैनात रहते हैं, वीआईपी मूवमेंट्स को लेकर। बिल्कुल सूरज, और ये एक तरह से शस्त्र पूजन भी होता है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, इसकी वजह से ये जवान चूँकि अपनी जान को दाव पर लगाकर नक्सलियों से और तमाम जो दुश्मन होते हैं उनसे लोहा लेते हैं, ऐसे में ये परंपरा इतने सालों से चली आ रही, जिसको हर साल इसी तरीके से निभाया जाता है। तो बहरहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, यहाँ पर कुछ देर में कन्या पूजन और सारी जो विधि विधान के साथ पूजा अर्चनाएं आगे बढ़ाई जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि जैप वन में ये फिलहाल वहाँ से लाइव तस्वीरें हैं, और हर साल इसी तरीके से पूरे 9 दिन कुछ लोग व्रत भी रहते हैं, और 9 दिन यहाँ पर माँ के पंडाल में बाकायदा पूजा विधि विधान से आराधना की जाती है, माँ को प्रसन्न किया जाता है। तो सूरज हमारे साथ जुड़े थे, धन्यवाद सूरज आपका, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि हर जगह पूरे हिंदुस्तान के भीतर इसी तरीके से आज तस्वीरें आ रही हैं, चूंकि नवमी का मौका है और आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। क्या कहेंगे, आज नवमी का, नवरात्र का आज अंतिम दिन है और माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। हाँ, की तो जाती है, हम लोगों को सारा कुछ करना पड़ता है, हमारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है।